देखिए आज का टॉपिक है मेरा कुछ लिली के बल्ब्स जो मैंने 2 साल पहले ग्रो कर रखे थे बिफोर 2 ईयर्स। तो ये बल्ब लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और इनको आप ऐसी पॉट में दबे रहने दीजिए तो अपने सीजन पे ही इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। बस थोड़ा सा आपको खाद वगैरह देना है, जैसे कि मैंने दिए काउडंग मैन्यूर दिया हुआ है। तो देखिए ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, इसमें लास्ट ईयर भी फ्लावरिंग होती है। ये देखिए बर्ड्स बनने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए एक बर्ड्स ये है और एक ये देखिए इधर से आ रही है, ये छोटी सी कली कितनी सुंदर लग रही है अभी। और ये जब फ्लावर्स खिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर शो करूँगी। तो इस तरह से इन ये जो बल्ब हैं ये हमें देखिए मैंने सॉइल में दबे रहने दिए, ओनली लीव्स थी, इसकी लीव्स भी मैंने कट कर दी थी क्योंकि जो पूरा जो इनकी शक्ति है ये अपने पत्तों पे ना लगाएं, अपने लीव्स पे ना लगाएं, ये फ्लावर्स इनके उगें, इसलिए मैंने इनकी पत्तियाँ एकदम जनवरी के लास्ट में, लास्ट मंथ में एकदम मैंने कट कर दी थी। तो देखिए ये बर्ड्स, एक ये आ रही है, एक ये फूल आ रहा है, एक ये आ रहा है, और ये 3 साल से बराबर मेरे यहाँ फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इस तरह से नए नए बल्ब अपने आप ही नीचे बनते रहते हैं। तो देखिए एक ये छोटा सा ये इधर बन रहा है और इसी तरह से ये पॉट में रहते हैं। और पानी मैं इनको कम देती हूँ क्योंकि बल्ब जो वाला जो हमेशा प्लांट होता है या बल्ब हम लगाते हैं उसको पानी हमेशा कम देनी चाहिए। और मेरे पास फुटबॉल लिली के भी बल्ब हैं, वो मेरे टेरेस गार्डन में ग्रो हैं, ये मेरे बालकनी गार्डन में हैं। तो ये देखिए इसमें फ्लावर्स उगना शुरू हो गए हैं और इसकी लीव्स ये देखिए, और ये इसी पॉट में लगातार 3 साल से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इसकी थोड़ी सी मैंने हल्की गुड़ाई करी थी और ये जो बल्ब हैं ये अपने आप ही नीचे इनके बल्ब एक्स्ट्रा बढ़ते रहते हैं। ये देखिए एक लीव्स ये निकल रही है, इधर से भी आ रहा है, एक ये वाली एक्स्ट्रा हुई है और इधर ये तो जो फूल है वो भी बहुत सुंदर आता है इसका और बहुत दिनों तक खिला रहता है। तो इस तरह से आप लिली के बल्ब, अमेरिकन लिली के बल्ब लगा सकते हैं और ये सालों साल चलने वाले बल्ब हैं जो आपके पॉट में दबे रहेंगे और जब इनका सीज़न आएगा, टाइम आएगा, वक्त आएगा तो ये अपने आप ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी और बस ये ध्यान रखना हमें कि थोड़ा पानी हमें कम देना है क्योंकि नहीं तो बल्ब हमारे इस मिट्टी में ही गल जाएंगे, गलने शुरू हो जाएंगे। और जब इनका सीज़न आए, इनका वक्त आए तो आप इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह से समर्स में ये फ्लावरिंग करता है तो मैंने इसको फर्टिलाइज करा था। और जैसे आप और पौधों को पानी वगैरह देते हैं उस तरह से हल्का पानी नहीं देते रहिए क्योंकि देखिए गर्मी में तो ज़्यादा नीड होती है वाटर की और विंटर्स में कम नीड होती है। तो इस तरह से देखिए इसमें लास्ट ईयर भी 2 फूल आए थे मेरे, ये देखिए इस साल भी अभी तो ये 2 ही, एक ये बर्ड्स आइए और एक ये देखिए। और ये देखिए ये बात है कि देखिए जैसे ये प्लांट है इसकी जड़ के इसकी बगल से निकला है, इसी तरह जो फुटबॉल लिली होता है वो भी इसी तरह निकलता है। तो देखिए इसकी ज़मीन के इसके जो बल्ब का पौधा है, मतलब मैं कहूँगी जो प्लांट है, देखिए लीव्स है, उसके बगल से ये कली निकल रही है। तो ये डायरेक्ट हमें उसी बल्ब से ग्रो होती है, ये देखिए। और ये वाली भी ये देखिए, ये भी ये देखिए लीव से उसके बगल से ये, तो आप बर्ड्स का साइज़ भी देख सकते हैं, अच्छा साइज़ है। तो जब ये फ्लावर्स खिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर शो करूँगी। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल 2 ही दिख रहे हैं, हो सकता है और भी उगे। और ये मेरे 2 बल्ब थे तो अब 2 बल्ब में मेरे को ये 5 बल्ब कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये देखिए एक ये हो गया, एक मैं आपको ये दिखा रही हूँ, एक ये इधर और एक ये इधर, तो हो सकता है उधर भी फूल खिलें। तो इस तरह से तो ये देखिए, तो इस तरह से आप ये बल्ब लगा सकते हैं और ये आपको सालों साल फूल देते रहेंगे और इसके फूल बहुत प्यारे आते हैं। जब इसका फूल खिलेगा तो आपसे मैं रिज़ल्ट ज़रूर शो करूँगी। अगर आप बल्ब लगाना चाहते हैं तो हमें लिली के तो अभी भी लगा सकते हैं आप रजनीगंधा के बल्ब लगा सकते हैं, फुटबॉल लिली के लगा सकते हैं। तो बहुत सारे बल्ब अवेलेबल होते हैं, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, तो आपको बल्ब मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक था मेरा अमरियास लिली पे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए प्लांट के साथ और एक नई जानकारी। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।